होंडा एक्टिवा चलने टाइम में इसमें ब्रेक का साउंड आ रहा है। जैसे अभी मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी बिना स्टार्ट किए इसको धक्का मार के देखो लेके जाएगा तो गाड़ी का आवाज आता है, साउंड आता है इसमें ब्रेक का। ये देखिए आगे ले रहा हूँ तो साउंड आ रहा है, पीछे ले रहा हूँ तो साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए पीछे लूंगा तो साउंड नहीं होता है, अभी आगे लूंगा तो साउंड आएगा। ये साउंड आ रहा है, साउंड किस लिए आ रहा है इसको अभी बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए अभी गाड़ी को मैंने मेन स्टैंड में लगा दिया हूँ, अभी ऐसे घुमा रहा हूँ देखो नहीं आवाज आ रहा है, ऐसे उल्टा भी घुमा रहा हूँ तभी तो आवाज नहीं आ रहा है। तो इसका इसके ऊपर जो लोडिंग होता है तब आवाज आता है इसमें साउंड में। इसमें साउंड जो आता है देखिए इसका जो बैरिंग होता है, ये बैरिंग अंदर जो बैरिंग होता है खराब हो चुका हुआ है, इसको देखो प्ले है इसमें, देखिए ये प्ले है इसमें। ये जो गियर बॉक्स का बैरिंग होता है इसके अंदर रहता है, जो एक्सल लगा हुआ रहता है, जो 24 नंबर का नट लगा हुआ रहता है उसको हम लोग एक्सल बोलते हैं। अब एक्सल दिखा दे रहा हूँ, 24 नंबर नट के इधर लगा हुआ है, ये देख लीजिए इसमें 24 नंबर का नट, हम लोग इसको एक्सल बोलते हैं। इसका बैरिंग गया हुआ है और जो देखो पूरा ये लाल हो गया हुआ है। क्यों लाल हुआ है कि ब्रेक पकड़ रहा था, इसका पूरा जो लाल पना है जिस लाल हो गया, लो लाल हो जाता है जब ब्रेक पकड़ता है। तो अभी बैरिंग डालने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है, ऐसे 24 नंबर का नट है वो ओपन करना पड़ता है। वो बैरिंग डालने के लिए इसे क्लच कवर है, इसको हम लोग क्लच कवर बोलते हैं, जो कीक है, कीक का जो कवर होता है ये ओपन करना पड़ता है। ये ओपन करने के बाद क्लच शू आता है वो ओपन करना पड़ता है। ये 10 नंबर का जितना बोर्ड लगा हुआ है ओपन करना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो पीस है इधर का ये वाला निकलता है। अब इसको सब पूरा अभी मैं खोलने जा रहा हूँ, पहले मैं ये खोलूंगा, फिर क्लच शू खोलूंगा, फिर इसके बाद मैं ये खोलूंगा, फिर ओपन करता हूँ। और जो 24 नंबर का नट है वो भी ओपन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं खोलना, वो भी खोलना पड़ेगा। अब ये देखिए जो क्लच कवर होता है पूरा ओपन मैंने कर दिया हूँ मैं। इसमें 8 नंबर का नट आता है, ये बोल्ट आता है 8 नंबर का बोल्ट, ये बोल्ट पूरा ओपन करने के बाद फिर ये बाहर निकलता है। ये ओल्ड मॉडल गाड़ी है, अभी इसको भी खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों अब अगर आपके पास मान लो ये पाना नहीं है ये क्लच खोलने के लिए, आप इसको कैसे एडियो से खोल सकते हो। अभी इसको मैंने ओपन कर दे रहा हूँ, उसको आपको दिखा दे रहा हूँ पहले मैं, फिर आपको अगर कभी इसे ये पाना नहीं है आपके पास लगाने के लिए तो इसको आप कहाँ से इसको लगा के खोल सकते हो एकदम इजी से, और टाइट भी कर सकते हो। अब इसको मैं पहले इसको निकाल देता हूँ। देखिए ये ओपन कर दिया हूँ, खाली वो बैरिंग जो गया हुआ है, बैरिंग के लिए इतना चीज को ओपन करना पड़ता है। और बैरिंग जब खराब होता है तो बिल गाड़ी भी जाम चलता है, उसके वजह से क्या होता है जो ये इसको हम लोग कलर शू बोलते हैं तो ये भी खराब हो जाता है और आपका गाड़ी का बेल्ट भी खराब हो जाता है। अगर कभी भी ऐसे साउंड आता रहेगा, ऐसे बैरिंग गया हुआ है तो इसको जल्द से जल्द बैरिंग को चेंज करा देना चाहिए। अगर नहीं चेंज कराओगे तो ये जो कलर शू है ये भी खराब हो जाता है, कभी क्या होता है बेल्ट भी टूट जाता है। ये निकाल दिया हूँ इधर, अभी इसमें जो 10 नंबर का बोल्ट है दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बोल्ट खोलोगे तो गियर बॉक्स बाहर आएगा। अभी इसको तरीका बता दे रहा हूँ जैसे इसको खोलना है, और पीछे का बिल अगर खोलना है तो अगर ब्रेक नहीं पकड़ना है आपको, बगैर ब्रेक पकड़े कैसे इसको खोला जाए उसका तरीका बताने जा रहा हूँ इसमें। अभी जो ब्रेक का होता है अभी रिपी मैंने ओपन करती हूँ, बाहर निकाल दे रहा हूँ इसको भी, क्योंकि इसको भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये बाहर निकाल दिया हूँ मैं, अब इसमें मैं आपको बिल और इसका कैसे खोला जाए, जैसे इसका नट और पीछे का बिल का नट कैसे इसको खोला जाए उसका भी देखो तरीका बता दे रहा हूँ मैं। पहले तो आपके पास जैसे इधर नट लगा हुआ है, ये नट में कोई भी रॉड ऐसे रखना चाहिए, और उधर पीछे देखिए इधर टेस्ट होना चाहिए,
तो इसको इजी से जाए चढ़ के भी खोल सकते हो, कैसे भी इसको खोल सकते हो। अभी अभी इसमें मैंने ये देखिए टच कर दिया हूँ, देखो बॉडी में उधर टच है। अब इसमें पाना 24 नंबर का पाना लगा के इजी से इसको खोल सकते हो बगैर ब्रेक पकड़े। ये देख लीजिए यहाँ लगा हुआ है और ऊपर डालिए टैच है, ये ऊपर देखिए टैच है उधर, अभी पाना लगा हुआ है देखिए। अब इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, इसको पैसे भी रख के आप खुद खड़ा कर हो बोल सकते हैं, ये ढीला हो गया हो। ये देखिए ढीला हो गया, बिल खोलने का तरीका यह है इसका, ये बिल देखो पूरा ओपन कर दिया हूँ मैं, बाहर निकाल दिया हूँ। अब जो इसमें लाइनर होता है ये भी बाहर निकाल दिया हूँ। कभी ब्रेक लाइनर अगर आपको निकालना है तो इधर देखो मार्किंग है, ऐसे मार्किंग मार के निकालना चाहिए देखिए, तो ऐसे मार्किंग मार के निकालोगे तो बार क्या होगा बाद में जब लगाओगे बराबर जो ब्रेक जैसे पकड़ता है वैसे ब्रेक बराबर परफेक्ट पकड़ेगा, नहीं तो उल्टा सीधा लग जाता है तो ब्रेक बराबर परफेक्ट नहीं पकड़ता है। अब ये खोल दिया हूँ, अभी मैंने इसके नीचे इसलिए रखा हूँ कि इसका वाल नीचे नहीं गिरना चाहिए, जमीन गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लगा रखा हूँ। अभी 10 नंबर का जितना बोल्ट है सब पूरा ओपन करने के बाद गियरबॉक्स बाहर आता है, इसके अंदर बैरिंग आपको दिखाऊंगा। इसको पहले पूरा ये देख लीजिए, देखिए दोस्तों पूरा मैंने ये पूरा ओपन कर दिया हूँ, 7 टोटल बोल्ट है, 7 में से 3 बोल्ट इसमें बड़ा आता है। बड़ा बोल्ट अगर आपको लगाना है जैसे आप खोले आप कभी याद नहीं है भूल गए तो उसको बोल्ट को कहाँ कहाँ लगाना है आपको तरीका बता दे रहा हूँ। एक तो बड़ा बोल्ट यहाँ लगेगा, ये जो बड़ा बोल्ट है देखिए 3 बोल्ट बड़ा है और 4 बोल्ट छोटा है, ये देख लीजिए ये बड़ा है छोटा है। तो बड़ा वाला कहाँ लगेगा आपको पहले फर्स्ट यहाँ लगाना है, आपको तरीका बता दे रहा हूँ, फर्स्ट यहाँ लगाना है, सेकंड यहाँ लगाना है, थर्ड ऊपर लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर नीचे इधर बीच में तीसरा ऊपर, ऐसे तीनों बोल लगाना चाहिए। अभी मैंने इसे ओपन किया हूँ, अभी जैसे सोचेंगे खींच के इसको निकाल लेंगे गियर बॉक्स खींच के नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा हल्का से फटका मारना पड़ेगा किस कुछ से तभी निकलेगा। ये देखिए ओपन हो गया हुआ है, अभी इसको मैं खींच के निकाल ले रहा हूँ, ये वाल भी देखो गिर रहा है अभी। ये देख लीजिए गियर बॉक्स पूरा बाहर निकाल लिया खींच के मैं, और ये जो बैरिंग गया हुआ है ये जो पीछे बिल लगता है एक्सल है इसका बैरिंग यहाँ गया हुआ है, ये बैरिंग जाता है ऐसे पूरा गियर बॉक्स खोलना पड़ता है। और इसमें एक आपको तरीका और बताने जा रहा हूँ मैं, जैसे ये गियर वापस कभी नीचे गिर जाता है जिसको कभी उल्टा अगर फिटिंग कर दोगे तो उल्टा सीधा फिटिंग हो जाता है, और कभी उल्टा फिटिंग कर दिए तो इसमें साउंड आएगा, ये देख लीजिए इसमें लगा हुआ रहता है, इसमें जो ये देख लीजिए ऐसे भी लगता है और ये ऐसे भी लग जाता है, ये देख लीजिए। तो इसमें आपको ऐसे नहीं लगाना है जैसे था, अभी खोलने के टाइम उसको ध्यान से देखना चाहिए, और इसमें मार्किंग मारा हुआ रहता है देख लीजिए, मार्किंग लगा हुआ रहता है इसमें, ये देख लीजिए इसमें मार्किंग देखो ऐसे हल्का हल्का मार्किंग है, और जो लिखा हुआ है ये देखो नाम जो लिखा हुआ है बाहर रहना चाहिए, ये देख लीजिए ऐसे जो नाम लिखा हुआ है बाहर रखना चाहिए। अगर इसको आप उल्टा फिटिंग कर गाड़ी को स्टार्ट करोगे ना और गाड़ी को चलाओगे राउंड मारोगे तो उसमें गड़गड़ गड़गड़ साउंड आएगा, तो इसको ध्यान से हाथ से सब चीज करना चाहिए, गियर से फिटिंग बराबर परफेक्ट फिटिंग करोगे तो साउंड नहीं आएगा। और जो बैरिंग होता है बैरिंग इसका
अभी बैरिंग निकालने जा रहा हूँ मैं। इसको भी पूरा ये बैरिंग मैंने ठोक के निकाल लिया हूँ मैं। ये बैरिंग अंदर से पूरा टूट गया हुआ था, ये इसमें बैठा हुआ रहता है बैरिंग। और इसमें पहले जो बैरिंग होता है नया बैरिंग, पहले इसमें नया बैरिंग बैठाया जाता है। अभी मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ कि पहले नया बैरिंग बैठा देना चाहिए, उसके बाद में ये जो ऑयल सील होता है, ऑयल सील बैठाने का आपको इसमें तरीका बता दे रहा हूँ। ऑयल सील कैसे बैठता है, ऑयल सील को आपको ये जो नंबर लिखा हुआ है इधर, ऐसे इसको नहीं बैठाना चाहिए। ये जो ऑयल सील है इसको ऐसे बैठाना चाहिए, ये बैठाने का तरीका है। और ऑयल सील बराबर परफेक्ट देख लेना चाहिए कि ऑयल सील बराबर परफेक्ट बैठा हुआ नहीं है। इसका जो राउंड है ऐसे पूरा से हाथ लगा के इसे राउंड घुमा के देख लेना चाहिए। अगर ऑयल सील बराबर परफेक्ट नहीं बैठा रहेगा तो उसमें क्या होता है कि बाद में ऑयल लीकेज चालू हो जाता है। ऑयल कहाँ से लीकेज होता है, जब बाहर ऑयल नहीं गिरेगा, ऑयल इसके थ्रू से आना चालू हो जाएगा। जब ऑयल इधर से आएगा तो आपका ब्रेक जो होता है ब्रेक लगेगा नहीं परफेक्ट। फिर उसके लिए वापस जितना मैंने चीज ओपन किया हूँ उतना चीज वापस वापस ओपन करोगे ये तो ऑयल सील बैठा सकते हो। कोई भी गियर बॉक्स अगर बैठाना है, जैसे कोई भी बैरिंग अगर बैठाना है, गियर बॉक्स पूरा ओपन करना पड़ता है। उसके लिए जितना चीज खोला हुआ है वापस रिटर्न खोलना पड़ेगा, कोई भी अगर बैरिंग इसमें गया हुआ है तो। इसमें ज्यादा करके बैरिंग जो होता है ये गया हुआ रहता है। इसका नंबर है 6004, ये बैरिंग का नंबर है 6004, ये बैरिंग इसमें नंबर बैठता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। क्योंकि अभी पूरा मैंने आपको जैसे मैंने खोला हूँ इसी तरीका इसको फिटिंग किया जाता है। अगर पूरा ऐसे जैसे मैंने आपको इधर बता दिया हूँ कि बैरिंग कैसे डाला जाता है, बैरिंग के बाद ऑयल सील, जो ऑयल सील होता है ऑयल सील डाला जाता है, पहले बैरिंग फिर उसके बाद में ऑयल सील।